सीताराम डेरा पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में 3 महिलाओं को 3 ग्राहकों के साथ गिरफ्तार किया है और उनके पास से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। सीताराम डेरा थाना प्रभारी नीरज कुमार मिश्रा ने गुप्त सूचना पर न्यू सीताराम डेरा मकान नंबर 18 निवासी राजा गुराई के घर पर छापेमारी कर उसकी पत्नी और 2 महिला तथा उनके 3 ग्राहकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। उनके पास से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए। थाना प्रभारी के अनुसार राजा गुराई अपने घर का एक कमरा देह व्यापार के 300 रुपए किराया में देता था। पूरी रात के लिए कमरा का किराया अलग से लिया जाता है। उसकी पत्नी भी देह व्यापार में शामिल है। गिरफ्तार महिलाओं में से एक का 2 महीने पहले ही विवाह हुआ है। ये न्यूज सीताराम डेरा का मकान नंबर 818 में राजा गोराई के मकान में से बराबर सूचना मिल रही थी कि वहाँ अवैध रूप से देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इस सूचना पर हम लोग टीम गठित कर अपने बड़ी पदाधिकारी के साथ छापामारी की, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिला रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जेल में हाँ की प्रक्रिया जारी है, जबकि सूची भी तैयार किया जा रहा है। कार्रवाई की क्या क्या पकड़े हैं? पकड़े कंडोम पकड़ाया है, कंडोम है, मोबाइल है, बेसिकली कंडोम वगैरह है जो लोग मतलब इस्तेमाल करने के लिए रखे हुए थे। कैसे चल रहा था रैकेट? इसकी सूचना मिल रही थी, हम लोग अवसर के ताक में थे कि समय मिलेगा, समय जब आएगा और कुछ लोग रहेंगे उसमें छापामारी करेंगे, और मुझे सूचना मिली, बड़ी पदाधिकारी के साथ मैं छापामारी करूँ। क्या पहले से चल रहा था इस प्रकार के रैकेट के बारे में? जो है सूचना प्राप्त हो रही है, उसी सूचना के आधार पर छापामारी की।